हमने फाइनली कियारा का नया बेड ले लिया है। I was facing all the sunlight while our feet swung freely from the bridge, the bridge. You asked if I'd save you, if you were crazy enough to take a swim. Hey guys, good afternoon. Welcome back to Mommy and Flurry Tale. मैं कितना भी सोच लूँ कि सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करूँ, बट आजकल सुबह इतना बिजी जाता है कि फुर्सत ही नहीं मिलता है। एटलीस्ट कैमरा के सामने आके हेलो बोलूँ, उसके लिए थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल होके आना पड़ता है, मुझे उतनी भी फुर्सत नहीं मिलती है। नींद से उठो और चालू हो जाओ कुछ ना कुछ काम में। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock और मैं आप लोगों को हेलो बोलने आ गई हूँ नया व्लॉग लेके। आज के व्लॉग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैंने अपने बेबीज के लिए कुछ बहुत ही फ्रेश नई चीज़ें मंगवाई है जो फाइनली डिलीवर्ड हो गया है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि चेंज करने की ज़रूरत है और नए मंगवाने की ज़रूरत है, बट मुझे मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ। शॉप में जाके लेती हूँ तो अच्छे से देख के चीज़ों का साइज़ उसका क्वालिटी देख के ले सकती हूँ, बट अभी तो स्टोर में जाके ख़रीदना थोड़ा सा रिस्की है। मेरा प्लान था एक्चुअली दोनों को लेके जाओ और दोनों के पसंद से कुछ खरीदूं, बट वैसा तो होने से रहा, तो इसलिए मैंने फाइनली सारी चीज़ें और लेट ना करके ऑनलाइन ही मंगवा लिया है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं क्या क्या चेंजेस कर रही हूँ, उनके कौन कौन से चीज़ों को मैं पुरानी चीज़ों को बाय बाय करके नई चीज़ें लाई हूँ। तो उससे पहले थोड़ी अपने बारे में कुछ शेयर कर दूँ। आज उतना सारा खाना नहीं बनाना पड़ा है क्योंकि लंच के लिए ऑलमोस्ट सारा खाना था, कल का बचा हुआ खाना है जिससे लंच हम दोनों का हो जाएगा। मैं बस एक ही आइटम बनाई हूँ। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम चला गया वो है ये, बहुत सारी ग्रॉसरीज और सब्जियाँ मंगवाए थे हमने क्योंकि आज फ्राइडे है तो वीक ख़त्म हो जाता है, फिर आगे के वीक के लिए सब्जियाँ मंगवा लेते हैं हम एकदम से, तो वही सब। और आज बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स मंगवाए थे तो उसको अच्छे से धो के फिर सुखा के अगर फ्रिज में ना रखूँ तो पूरा ख़राब हो जाएगा, तो वो सब चक्कर में सुबह से बहुत लेट हो गया। यहाँ पे चल रहा है एज यूजुअल फाइट, एक ही टॉय लेके दोनों को खेलना है, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। क्यों भाई, और नहीं है क्या? क्यों, कुछ और ले लो। क्यों क्यों, तुम ये ले लो, जितने भी फटे फुटे टॉयज है वही दोनों को सबसे ज़्यादा पसंद है, ये जितने नए टॉयज है इससे नहीं खेलेंगे। ये देखो नए टॉयज, इससे नहीं खेलेंगे, ये जिसके छींथड़े उड़ गए हैं उससे खेलेंगे। शेयर करना अगर आपके बेबीज भी यही करते हैं। मेरा दिल टूट जाता है, मैं नए कितने भी टॉयज मंगवा के दूँ बट इनको वही गंदा हो गया टूट गया फाड़ दिया वही चीज़ें पसंद है। मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं अभी विदा करूँ क्योंकि ये धोने पे भी क्लीन नहीं होता है, बट नहीं, ये इनसे इन दोनों का इतना लगाव है कि मैं उनको फाइनली बाहर भी नहीं फेंक सकती। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, शेयर करना अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो। तो मैं अभी कर रही हूँ लंच और आज मैं अकेले लंच कर रही हूँ क्योंकि दीपांजन का, जैसे मैं बोल रही थी मैं 3 o'clock ब्लॉग स्टार्ट की थी, अभी 3:25 टाइम हो रहा है तो उसका कोई ठीक नहीं है कि वो कब नहाएगा और कब खाना खाएगा, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि वो कॉल पे काम कर रहे हैं, मैं बार बार जाके टोकूँ कि कब नहाओगे कब खाना खाओगे, तो इसलिए मैं खुद ही आज अकेले ही खा रही हूँ क्योंकि मैं और नहीं लेट करना चाहती हूँ। ये पिछले मतलब जब वो ऑफिस जाता है तो रात को 11:30-12 बजे तक उसका लेट होता है, मैं वेट करती हूँ। अभी जब घर में है तो भी हम टाइम पे खाना नहीं खा रहे, तो रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें ना
जब करते हो आपको समझ भी नहीं आता है, बट लॉन्ग रन में जाके ये थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। तो मुझे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको बार बार बिना टोके मैं अपने टाइम पे खाना बना के खाना खा लूँ, नहीं तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो मैं खा रही हूँ दाल सब्जी फिश, बहुत ही सिंपल सा लंच। मैं कितना भी उसको बोलूँ कि हाफ एन आवर मैनेज कर लो बीच में, ताकि एटलीस्ट खाना टाइम पे खा लो। अब नहीं होता है तो नहीं होता है, क्या कर सकते हैं। इनको लेके दोनों में काफ़ी ज़्यादा कहाँ सुनी भी हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं अभी इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। I was facing all the sunlight while our feet swung freely from the bridge, you asked if I'd save you, if you were crazy enough to take a swim, I tried, tried to make you see that my shoulder's ready for you. मेरा लंच हो गया और आज मैं आफ्टरनून स्नैक्स में फ्लरी और कियारा को दे रही हूँ बनाना। कि पपी को क्या ट्रीट देना चाहिए, 6 months old पपी, 3 months old पपी, या मैं क्या खिलाती हूँ या मैं क्या खिलाती थी। यू विल गेट मेनी रेडिली अवेलेबल पपी ट्रीट्स इफ यू आस्क योर वेट, इफ यू गो टू अ पेट शॉप, आपको बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे डिफरेंट वराइटीज मिल जाएगा, बट वो एवरीडे खिलाना मैं ज़रूर रिकमेंड नहीं करूँगी। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके घर का बना हुआ चीज़ या नेचुरल चीज़ें, नेचुरल ट्रीट्स जितना ज़्यादा दिया जाए, रादर देन यूजिंग दोज पैकेज्ड प्रिजर्वेटिव वाला ट्रीट्स। अगर वो ट्रीट्स का शेल्फ लाइफ 6 months, 1 year, 2 years है, तो ऑफकोर्स उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ना कुछ फिक्स्ड नहीं है, डे टू डे ये रेगुलर चीज़ें हैं, तो इसमें ऐसे कुछ वो नहीं है कि यही खिलाती हूँ यही नहीं खिलाती हूँ। इन लोगों के लिए जो भी चीज़ें हेल्दी है, उनमें से जो जो चीज़ें इनको खाना पसंद है, तो वही मैं मिक्स एंड मैच करके देती रहती हूँ। जैसे कि कभी मैं बॉयल्ड एग खिलाती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बिल्कुल बॉयल्ड एग नहीं देती हूँ, तब मैं डाइल्यूटेड कार्ड देती हूँ। कभी कभी मैं फ्रूट्स खिलाती हूँ, फ्रूट्स में जैसे कियारा वाटरमेलन बनाना बहुत पसंद करती है, फ्लरी बनाना फिर भी मुँह में ठूस दो खा लेती है, बट वाटरमेलन वो बिल्कुल भी नहीं टच करती है। तो जैसे आज मैंने दोनों को बनाना खिलाया, और फ्लरी को मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ आफ्टरनून में कुछ खाने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वेट ने बोला था फ्लरी का वेट थोड़ा सा कम करने की कोशिश करने के लिए, एंड बनाना इज़ टू फैटनिंग, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ्लरी अगर नहीं खाना चाहती है तो मैं फोर्स नहीं करती हूँ, एक दो बाइट ले ले तो काफ़ी है। और कभी कभी मैं दोपहर को कुछ भी नहीं खिलाती हूँ, शाम के ऐसे 5:30, 6 o'clock तक दोनों के साथ जब खेलती हूँ, तो तब कुछ बिस्किट्स या पेडिग्री के जो मीट जर्की स्टिक्स है वो भी कभी कभी देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि 80% डेज में इनको घर का बना हुआ या कुछ नेचुरल खिलाओ, और बाकी के 20% इन थोड़ा सा इसको, इन दोनों को भी जो अच्छा लगता है, इनको पेडिग्री के वो मीट जर्की स्टिक्स बहुत पसंद है, दोनों को पागल हो जाते हैं देखते ही, तो वो भी कभी कभी दे देती हूँ। तो ऐसे ही करके मैं मिक्स एंड मैच करके खिलाती रहती हूँ। तो जब आप पूछते हो तो ना कमेंट में इतना कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है, इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं उतना डिटेल में बता नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगा मैं वीडियो में आपसे शेयर कर दूँ जब मैं दिखाई रही हूँ कि मैं आज बनाना खिला रही हूँ। तो अगर 6 months का पपी है तो कोशिश कीजिए जितना कम हो सके उनको रेडीमेड खाना, जो बाहर ट्रीट्स स्पेशली जो मिलता है, वो ना देने की। आप ड्राई किबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्या
जब छोटी थी उसको ड्राई किबल्स खाना बहुत पसंद था, तो हम किबल्स के एक या दो दाने उसको ट्रीट्स के तरह देते थे जब भी वो कोई कमांड फॉलो करती थी। जब हम उसको बेसिक हाउस ट्रेनिंग दे रहे थे तो हम वो किबल्स के जो ड्राई दाने हैं वो यूज़ करते थे, वो उसको बहुत पसंद था। पर फ्लरी को बचपन में बनाना बहुत पसंद था, तो बनाना का टेम्पटेशन दिखा के हमने फ्लरी को बहुत कुछ सिखाया है, बट अभी फ्लरी बिल्कुल भी बनाना नहीं खाती है। तो यही मैं ऐसे ही करके बैलेंस करके दोनों का हेल्थ और दोनों की मूड दोनों को बैलेंस करके खिलाती रहती हूँ। आप लोग भी जितना ज़्यादा दिन एक डॉग के साथ रहोगे, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा उसके बिहेवियर को स्टडी करोगे, आपके लिए भी आसान हो जाएगा समझने में कि एक्चुअली आपके डॉग को क्या चाहिए, क्या पसंद है और वॉट इज़ दैट वन थिंग दैट वर्क्स द बेस्ट विथ योर डॉग। तो हमारी क्यू बात करना सीख गई है, ठीक है, एक ही चीज बाकी था वो भी सीख गई है। क्यों क्यों किसी क्यों ऐसे बात करती है, ठीक है, ऐसे बात करेगी कि आप बात ही नहीं कर पाओगे, आपका मुंह बंद कर देगी, फिर वो मामा का कान भी साफ करती है, हाँ, और बहुत शिद्दत से करती है और कभी भी एक कान साफ करके छोड़ती नहीं है। क्यों मेरी बड़ी अच्छी बेटी है। हमारी क्यों आई है फ्लरी के साथ बात करने, मामा फ्लरी मामा क्यों दीदी के डाको दीदी के। उठो फ्लरी उठो, घूमते के उठो मामा, उठे करो क्यों ने पका दिया। हेलो, तो मैं फाइनली बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने कि मैंने क्या क्या नए चीज़ें फ्लरी और कियारा के लिए लिया है। तो जो भी मैं आपको दिखाऊंगी सारे प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से लिया है और इन प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं चेंज कर रही हूँ वो है फ्लरी कियारा का टूथपेस्ट। सो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस वन ट्रिक्सी एंड इसके बहुत अच्छे रिव्यू है अमेज़ॉन में एंड दिस टूथपेस्ट हैज़ मिंट इन इट। तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं क्योंकि सब ने लिखा है कि देयर डॉग्स लव दिस टूथपेस्ट और ब्रश करवाना इजी हो जाता है इस टूथपेस्ट के साथ। तो मुझे लगा मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ, क्योंकि पहले मैं जो यूज़ करती थी डेंटा पेस्ट वो अच्छा था, बट माई बेबीज़ वेर नॉट रियली एक्साइटेड टू ब्रश वेन आई यूज टू यूज़ दैट, बट इसके साथ थोड़ा अलग है। उस दिन जो आपने देखा, अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत प्यार से ब्रश करते हैं, बट हाँ, पहले जैसे वो मुँह में डालने से भाग जाते थे, अभी वो नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनको एक्चुअली ब्रशिंग करना ही पसंद नहीं है। मैंने 100 ग्राम लिया है, इसका एक बड़ा ट्यूब भी है, बट मुझे लगा पहले सबसे छोटा वाला ट्राई करके देखते हैं। सो दिस इज वन। नेक्स्ट मैंने लिया है जो चीज़ बहुत ज़रूरी था चेंज करना, जो देख देख के मैं खुद थक गई थी, वो है उनके खाने के बोल। उनके पहले के बोल है वो सारे दुकान से लिया हुआ है, पेट स्टोर से, और पेट स्टोर में जितने भी फैंसी बोल्स हैं ऑल आर प्लास्टिक्स। स्टील का जो भी बोल है वो ऐसे ही फ्लैट रबर वाला नीचे वो ग्रिप वाला बोल होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले अमेज़ॉन में देखा कि काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ है स्टील के बोल में भी, तो अभी मैंने लिया है ये दो। ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, पिंक, ग्रीन, ब्लू, जो भी चाहिए। मैंने ऑरेंज लिया है और फ्लरी आ गई ये देखने कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसका ये है स्टील का बोल जिसमें आप खाना दोगे और ये है उसका स्टैंड। तो इसका हाइट भी पहले जो बोल में यूज़ करती थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कियारा के लिए इसमें खाना बहुत आसान होगा।
इसमें अभी तक हमने खाना नहीं सर्व किया है, ये बिल्कुल नया है अभी भी। ये गुफी टेल से मैंने लिया है, इसका साइज है स्मॉल, 400 ml का बोल है, इन दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज है। नेक्स्ट मैंने लिया है पानी के लिए बोल, ये ना मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं किया था, ये 700 ml का है मीडियम साइज में। मुझे इसमें स्मॉल लेती तो ज्यादा अच्छा होता, बट ठीक है। इसका क्या करना पड़ता है, पूरा भर देना पड़ता है पानी, नहीं तो कियारा नहीं पी पाती, उसके नाक पानी में आ जाता है। तो ये मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। तो ये दो, ये भी गुफी टेल्स का ही है, बट इसका साइज है मीडियम, 700 ml। तो इन दोनों के पानी के बोल भी बिल्कुल खराब हो गया था, क्योंकि उसमें आप पूरे पूरे दिन पानी देके रखते हो, उसके बाद जितना भी धो और जो भी करो ना, अंदर एक पानी का दाग जैसे हो जाता है। तो वो भी मैं सोच रही थी बहुत दिन से चेंज करूंगी, बीच में लॉकडाउन हो गया, कोई गारंटी नहीं था कि कौन सा प्रोडक्ट कब डिलीवर होगा। तो जैसे ही लॉकडाउन उठा, मैं सबसे पहले ये ऑर्डर प्लेस की थी, ये सारे मेरे विश लिस्ट में ऐड किया हुआ था। अच्छा, अब नेक्स्ट जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है हमने फाइनली कियारा का नया बेड ले लिया है। में ऑलरेडी मैडम ने अपने खिलौने भर दिए हैं और फ्लरी का पूरा पूरा नजर इस बेड में है। एक्चुअली बोल्स या इसके पहले कियारा हमारे घर में आने के बाद जो भी चीजें हमने लिए ना, कभी भी एक नहीं लिया है, हमेशा दो लेती हूँ। फ्लरी को वो जरूरत है भी या नहीं भी, फिर भी हम लेते हैं। बट बेड के लिए क्या प्रॉब्लम है कि बेड रखने के लिए थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी फ्लरी का एक उतना बड़ा बेड है। अब कियारा के लिए एक ले रही हूँ, मैं फिर से फ्लरी के लिए सेम बेड लेती तो रखने की जगह का ना थोड़ा प्रॉब्लम होता, तो इसलिए मैंने नहीं लिया फ्लरी के लिए। बट हमारी फ्लरी इससे काफ़ी दुखी हुई है और उसका पूरा नज़र इस बेड में है। हमेशा कोशिश करती है कि इस बेड पे सो जाए, बट उस दोनों में लड़ाई भी हो रहा है उसको लेके। तो जैसे ही हमने ये एक दिन नोटिस किया, अभी फ्लरी के डैडी ने फ्लरी के लिए भी बेड ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, सेम बेड सेम कलर कॉम्बिनेशन में। तो कियारा के लिए ये वाला जो हमने लिया है, इसका साइज है L, ये एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल XL तक आपको मिल जाएगा। तो कियारा के लिए ये थोड़ा बड़ा ही है, क्योंकि मेरे जो दो है ना, उनको थोड़ा अपने से ज़्यादा जगह लेके फैल के सोना पसंद है, तो इसलिए मैंने कियारा के साइज से थोड़ा ज़्यादा साइज का ही बेड लिया है। और इसका साइज देख के फिर मैं फ्लरी के लिए XL ली हूँ। फ्लरी इसमें परफेक्टली फिट आती है, बट जैसे फ्लरी सोती है अपना टांग हाथ उठा के, थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, प्रिंसेस है ना मेरी। बट कियारा का शायद लिया है 1399 लार्ज का, और फ्लरी का जो एक्सेल साइज का हमने ऑर्डर किया है उसका लिया है 1599, है ना, 200 का डिफरेंस, हाँ उतना ही होगा, ऐसे ही होगा। काफ़ी अच्छा है ये जो बाहर का पोर्शन है, ये वेलवेट का है, सो जिसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा बाल चिपकेगा नहीं। अगर आपके पेट बहुत ज़्यादा शेडिंग करते हैं तो वो बाल चिपकने का एक प्रॉब्लम रहता ही है बेड में, और बेड हम हमेशा धो नहीं पाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसमें ज़्यादा बाल नहीं चिपकता है और बहुत सॉफ्ट है,
ये बेड देख के आपको समझ में आया काफ़ी थिक है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो कियारा को ये बहुत पसंद है। छोटू सा पिलो आया है जो मोस्ट ऑफ द टाइम बेड के बाहर ही पड़ा रहता है, और कियारा अभी हमारे साथ और नहीं सो रही है क्योंकि अभी कियारा के सेपरेट जगह आ गया है, तो कियारा और फ्लरी अपने बेड पे फाइनली अलग सो रहे हैं बहुत महीनों के बाद। जरूर बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा कियारा का बेड। तो फाइनली वीडियो को एंड कर रही हूँ गाइज, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्लरी नो नो। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डॉग्स आर वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट देयर टेरिटरी, तो बेड एक ऐसा चीज़ है जो उनके एक टेरिटरी है खुद के। तो फ्लरी के बेड में जैसे मैं कियारा को बहुत कम चढ़ने देती हूँ, जब फ्लरी अलाउ करती है तब भी देती हूँ, वरना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसको अलाउ नहीं करती हूँ। और वैसे भी कियारा फ्लरी को हटा के कभी नहीं बैठती है, तो कियारा के बेड में भी मैं फ़िलहाल फ्लरी को अलाउ नहीं कर रही हूँ क्योंकि कियारा का ना बेड के साथ अभी कोई बॉन्डिंग नहीं है। वो बहुत दिन हो गया उसके पास कोई बेड ही नहीं था, एकदम बचपन में था उसके बाद और नहीं था, तो उसको ये बेड के साथ यूज टू होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अगर उसके ऊपर वो देखे कि दीदी इसमें बैठी है तो वो इसमें चढ़ेगी ही नहीं। वो एक ना दोनों का म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, मैंने देखा है कि कियारा भी इन सब चीज़ों में छोड़ देती है फ्लरी को, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कियारा को पता लगे कि ये मेरा ही बेड है, मैं इसमें खेल सकती हूँ, इसमें बैठ सकती हूँ, सो सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं फ़िलहाल फ्लरी को इसमें अलाउ नहीं करती हूँ। फ्लरी का बेड आ जाएगा उसके बाद ये इसके बेड में बैठे, वो उसके बेड में बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिलहाल मैं चाहती हूँ कि कियारा का इस बेड के साथ एक बॉन्डिंग बन जाए, तो यही रीज़न है मैं फ्लरी को चढ़ने नहीं दे रही हूँ। फाइनली थोड़ा सांस लेते हैं, वीडियो को आराम से एंड करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से रहना, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। मैं जल्दी वापस आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।